वायलिन की एक ऐसी गलती जो वायलिन के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते ही करते हैं, स्पेशली बिगनर्स जो वायलिन को सीखना शुरू करते हैं, जो खुद से घर बैठे बैठे ऑनलाइन वायलिन को सीखते रहते हैं, वो तो ये गलती जरूर करते हैं। और दोस्तों, ये गलती वो जब करते रहते हैं तो वो उनकी आदत बन जाती है, और फिर ये आदत इतनी खतरनाक बन जाती है कि यही गलती, यही आदत उनको भविष्य में वायलिन बजाने से मना कर देती है। वो खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी आवाज़ सुनकर, वायलिन की आवाज़ सुनकर, और वायलिन को बजाना रोक देते हैं। बोलते कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं बजा पाएंगे। अगर आप भी ये गलती करोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इसलिए अगर जाने या अनजाने में आप ये गलती कर रहे हो तो इस लेसन को जरूर देखना और अंत तक देखना। आज मैं इस लेसन में उस गलती की चर्चा करने वाला हूँ, उसको कैसे सही करना है वो बताने वाला हूँ। अगर आपकी आदत बन गई है तो उसको कैसे छोड़ना है उसका भी जिक्र करने वाला हूँ। इसलिए ये लेसन आपके लिए बहुत ज्यादा काम का है। ठीक है, तो लेसन को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय गौड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ वायलिन के इस नए लेसन में। आज जानने वाले हम ऐसी गलती जो हर बिगनर करता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो ऑनलाइन सीख रहे हैं किसी एक्सपर्ट से नहीं सीख पा रहे सीधे, या फिर जो स्टूडेंट्स जो है खुद से ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको सुर का ज्ञान है, वो स्टूडेंट, ये सब स्टूडेंट्स जो है गलती करते हैं ये वाली। और ये वाली गलती क्या है बताऊं जल्दी से? उससे पहले लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे मेरे वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच जाए। इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और जो मैंने वायलिन के इतने अच्छे अच्छे कवर बनाए हैं देख लो, थोड़े शेयर भी कर दो, क्योंकि आपका साथ ही मेरा साहस है। मान लो मैंने सिखाया अपने स्टूडेंट को सा रे ग म प ध न सा, ठीक है। अभी स्टूडेंट क्या करेंगे, गलती ऐसे बो के बीच वाले पार्ट से बजाएंगे और सिंगल सिंगल बजाएंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, वो धीरे धीरे इस चीज को प्रैक्टिस कर लेंगे बो के बीच वाले पार्ट से, और हर कट कट बो में बजाएंगे। अब मान लो मैंने फ्रेज दिया सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नि प ध नि सा, ठीक है। अब वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स लोग, बस ये बो का बीच वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे और ऐसे घिसते रहेंगे बो को। दोस्तों इससे होगा ये कि उनको लगेगा कि भाई आप फ्रेज तो हमसे ही प्ले कर रहे हैं जो सर ने बताया हमको, लेकिन ये उनकी आदत बन जाएगी, कोई उनको टोकेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो खुद से सीख रहे हैं, ऑनलाइन सीख रहे हैं, कोई उनको चेक भी नहीं करेगा, उनका पूरा फोकस रहेगा फ्रेज पे, ठीक है। अब फ्रेज कितना भी सही बजाए, अगर ऐसे ही बजाते रहेंगे ना, वो तो आपकी गई ही गई काम से, लेकिन साथ में आपके सुर की भी हालत बहुत खस्ता हो जाएगी, सुर भी चले जाएंगे, तो ना तो अच्छी आवाज़ आ पाएगी, बहुत कर्कश आवाज़ आएगी, और भविष्य में फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। आप वहीं तक सीमित रह जाओगे, 5 साल बाद 10 साल बाद भी आप वैसा ही बजाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि जब भी बजाओ, मेरी इस बात को वापस मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जब भी बजाओगे हमेशा पूरी बो का उपयोग करोगे, है ना। फिर इतना लंबा आपको बो क्यों दिया अगर आपको यहाँ से ही प्ले करना है तो, ठीक है। हमेशा या तो यहाँ से स्टार्ट करो एंड वाले पार्ट से, ठीक है, या फिर यहाँ से स्टार्ट करो। ये यहाँ से कौन स्टार्ट करता है बार बार, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स करते, तो उनको बार बार टोकना पड़ता है, भैया ऐसे मत करो, फिर जाके वो कुछ दिन सही बजाएंगे, फिर वापस वो गलती करेंगे, फिर वापस टोकूंगा मैं, और मैं तो टोकता रहूंगा, तभी तो जाके उनकी आदत सही होगी, ठीक है। लेकिन जो बिना टीचर के सीख रहे हैं ऑनलाइन, उनको कौन टोकेगा, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ टोकने के लिए। तो अभी क्या प्रैक्टिस करना है, अगर आपने इस तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है तो, यहाँ से स्टार्ट करना है एक बो में 4 स्वर लेके, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि द प, ठीक है।
ठीक है, और फिर बाद में एक बो में 8 स्वर भी ले सकते हो, मतलब पूरा सारे गम पधनी सा एक साइड से, यहां से स्टार्ट किया मान लो, ठीक है। वायलिन को मैंने अभी गलत पकड़ रखा है, क्योंकि ऐसे पकड़ते हैं आपके पैर के यहाँ रखते हैं इंडियन स्टाइल में, लेकिन वीडियो की स्क्रीन में नहीं आएगा, तो मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ, लेकिन कैसे पकड़ना है वो मैंने लेसन 1 के अंदर बताया है, वो भी देख लेना, ठीक है, समझ गए ना। अब गलती नहीं करोगे, हमेशा लॉन्ग बो के साथ बजाओगे, पूरी बो का उपयोग करोगे, या तो यहाँ से स्टार्ट करना है या तो यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, और ये ऐसा पार्ट चलता रहेगा। अब क्या प्रैक्टिस करोगे, तो वो मैंने बहुत कुछ सिखा रखा है भैया, जाकर देखो, है ना। और भी मैं ऐसे लेसन जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी आदत को सही करने के लिए लॉन्ग बो के साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्द मेंशन कर दूंगा। तो यही आशा करता हूँ, कामना करता हूँ कि आप ये गलती नहीं करोगे, समझे ना। ये वेबसाइट को जरूर देखो, मेरी अकेडमी मैंने शुरू कर दी है, जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, संगीतमय चिन्मय.com, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ऊपर आई बटन जो है उसको भी क्लिक करो, देखो वहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। बहुत सारे नए नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं, और साथ में हेल्थ इज वेल्थ नाम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स स्टार्ट किया है प्राणायाम वाला, उसमें ज़रूर एनरोल करो। अगर पहले से मेरी अकेडमी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए सीधा 40% का डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है। रेगुलर योगा की क्लासेस रहेगी, मैं चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो जुड़ सके योगा से, प्राणायाम से, उसका एक्सपर्ट टीचर रहेगा, मैं नहीं रहूँगा, एक्सपर्ट टीचर रहेगा जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, ठीक है। मैं खुद करते रहूँगा साइड में बैठे बैठे आप लोगों के साथ, तो बस समझ में आ गया ना, अब ये गलती मत करना भैया, ठीक है। बार बार चिन्मय सर नहीं आएंगे बचाने के लिए, बताने के लिए। मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, जय हिंद और जय भारत।